नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र। स्वागत है आप सभी का इन खबर पर। जम्मू कश्मीर में एक दशक के बाद होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। हाल ही में बढ़ती आतंकवादी गतिविधियों और चुनाव के महत्व को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। कुल 95,000 अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जाएगी, जिनमें BSF, CRPF और ITBP, CISF और SSB शामिल हैं। जम्मू और कश्मीर के विभिन्न हिस्सों में सुरक्षा को बढ़ाने के लिए इन बलों को तैनात किया जाएगा। जम्मू में 450 कंपनियों और कश्मीर में 500 कंपनियों को तैनात किया जाएगा। सुरक्षा का विशेष ध्यान जम्मू पर होगा, जहाँ पिछले कुछ समय में आतंकवादी घटनाओं में वृद्धि देखी गई है। वहीं विधानसभा चुनाव 3 चरणों में होंगे और पहले चरण के लिए 24 सीटों पर 18 सितंबर को मतदान होगा। चुनाव आयोग ने इस चरण के लिए अधिसूचना जारी कर दी और नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। वहीं अर्धसैनिक बलों को संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा और उम्मीदवारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। विशेष ट्रेनिंग भी प्रदान की जाएगी ताकि जवान मतदान के दौरान प्रभावी सुरक्षा प्रदान कर सकें। लोकसभा चुनाव के दौरान की गई सुरक्षा व्यवस्थाओं के आधार पर विधानसभा चुनाव के लिए भी इसी तरह की योजना बनाई गई है, ताकि चुनावी प्रक्रिया को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जा सके। वहीं सुरक्षा एजेंसियों की योजना इस बात को सुनिश्चित करने पर केंद्रित है कि आगामी विधानसभा चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो। साथ ही आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएं। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में होने वाले विधानसभा चुनाव हैं और पहले चरण के लिए निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को अधिसूचना जारी कर दी। यहां पहले चरण में 24 सीटों पर 18 सितंबर को मतदान होना है। वहीं अधिसूचना जारी होने के साथ ही प्रत्याशियों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है और देश भर के लोगों की निगाहें जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव पर टिकी हुई हैं, क्योंकि लगभग एक दशक के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव होने जा रहे हैं, तो सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। खैर, इस पूरे खबर पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।